देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, सीएम नीतीश से मुलाकात करने अचानक चिराग पासवान पहुंच गए। नमस्कार प्रणाम, मैं हूं राजन कुमार, आप बने हुए न्यूज पेयर के साथ। तस्वीर आपके सामने है, साफ तौर से आप देख सकते हैं कि चिराग पासवान सीएम नीतीश से मुलाकात करके बाहर निकले। अचानक मुलाकात का क्या कारण है भाई, सीएम नीतीश से अचानक चिराग पासवान क्यों मिलने पहुंच गए? एक और जहां सिलीगुड़ी में जिस तरीके से छात्रों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, छात्रों के साथ मारपीट की गई, जिसके बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई है और दिल्ली तक ये राजनीति गर्मा गई है कि बिहारी छात्रों के साथ आखिर कब तक अन्य राज्यों में मारपीट होगा। तो इधर आप तस्वीर साफ तौर से देख रहे हैं, चिराग पासवान मिलने सीएम नीतीश कुमार से अचानक पहुंच गए। चिराग पासवान सीएम नीतीश से मुलाकात करने के बाद बाहर निकलते हुए का तस्वीर आपके सामने साफ तौर से देख सकते हैं। मुलाकात के बाद चिराग पासवान क्या कुछ कर रहे हैं, जरा वो सुनिए। मुलाकात का विषय बिहार में चल रही योजनाओं को लेकर तो था ही, हमारे मंत्रालय के भी एक दो विषय थे जिसको लेकर मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई, पर सबसे महत्वपूर्ण विषय आज की तारीख में जिस तरीके से बंगाल में बिहार के छात्रों के साथ जिस तरीके से बर्बरता की जा रही है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के माध्यम से मैंने हमेशा इस विषय को उठाने का काम किया कि दूसरे राज्यों में किस तरीके से बिहारियों को अपमानित किया जाता है। ऐसे में ये एक ऐसी शर्मनाक घटना जिसका वीडियो पिछले दो दिन से वायरल हो रहा है, जो कि अंदर तक आपको पीड़ा देती है कि आज भी क्षेत्रीयता के नाम पर इस तरीके से बर्ताव किया जाता है। भारत का संविधान हमें इजाजत देता है कि कोई भी भारतीय देश के किसी भी कोने में जाके शिक्षा हासिल कर सकता है, रोजगार कर सकता है, व्यवसाय कर सकता है। उसके बावजूद अगर ये मानसिकता किसी राज्य की है तो ये चिंता का विषय है। ये तमाम विषय मैंने मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में दिए। इस बात की चिंता मेरे लिए और ज्यादा बढ़ जाती है कि कई ऐसे दल हैं जो उन्हीं के साथ गठबंधन में है। वेस्ट बंगाल की सरकार जिस दल की है, टीएमसी के साथ गठबंधन में इंडी अलायंस ये लोग बना रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष इस मामले पे खामोश रहते हैं, इस पर वो कोई बात नहीं करते। क्या वो बताएंगे कि जिस दल के साथ वो गठबंधन में है वही दल के लोग किस तरीके से अपने ही लोगों पर, बिहारियों पर लाठी चला रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं? ऐसे में ये तमाम बातें मैंने मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में दी। खुशी मुझे इस बात की है, संतुष्टि इस बात की है कि स्थानीय प्रशासन ने तत्परता से इसके ऊपर कार्रवाई की। यहाँ के प्रशासन ने वहाँ के प्रशासन से भी संपर्क साधा है। मुख्यमंत्री जी खुद व्यक्तिगत तौर पर इस विषय की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि उन बच्चों के साथ न्याय होगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमने बात किया था तब जाकर कार्रवाई हुई। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमने ममता बनर्जी से बात की तब जाके वहाँ कार्रवाई हुई, तब तक कार्रवाई भी। हाँ, और उन्हीं के साथ वो गठबंधन में भी है, इस बात का तो जवाब देना। क्या वो ऐसे लोगों के साथ गठबंधन में रहेंगे जो लोग इस तरीके से बिहारियों पर ही अत्याचार करते हैं? ऐसे में आपका मॉरल ग्राउंड आपको लेने की जरूरत है, नैतिकता इसमें आधार बनने की जरूरत है कि भाई जो लोग इस तरीके से, इस तरीके की मानसिकता, आप उस वीडियो को सुनिए किस तरीके की भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। वो पूरी तरीके से क्षेत्रवाद की वजह से कि क्योंकि वो लोग बिहारी हैं उनके साथ ये किया गया, ये कहीं से बर्दाश्त नहीं किया। अच्छा, जमीन सर्वे और स्मार्ट मीटर को विपक्ष बड़ा मुद्दा बना रहा है, जरा क्या लगता है, नुकसान झेलना पड़ेगा चुनाव में? कोई नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा, ये लोगों के की भलाई के लिए ही है। वंस एंड फॉर ऑल जमीन विवाद को लेकर डॉक्यूमेंटेशंस को के रिकॉर्ड्स को सेट करना ये भी सरकार की ही जिम्मेदारी है। तो ऐसे में सरकार इसके ऊपर पहल कर रही है, जहाँ पे जो कोई किसी तरीके की शिकायत आ रही है उसको भी सरकार सुनने का काम कर रही है। मैं मानता हूँ अंतोगत्वा जो भी कार्रवाई की जाएगी वो जनता के हित में ही की जाएगी। दो तारीख को लॉन्चिंग हो रही है जनसुराज की, कितना बड़ा चैलेंज बनेंगे प्रशांत किशोर? भाई मुझे नहीं पता, मैंने हमेशा इस बात को कहा है, वो मेरे अच्छे मित्रों में से हैं। आने वाले समय में उनकी क्या रणनीति रहती है, अकेले चुनाव लड़ेंगे, किसी गठबंधन के साथ जाएंगे, नहीं जाएंगे, क्या करेंगे, मुझे नहीं पता। फिलहाल मैं एनडीए गठबंधन का हिस्सा हूँ, हमारा गठबंधन मजबूती से आगे बढ़ रहा है। लगातार कई कयास लगाए जा रहे हैं, जो लोग कयास लगा रहे हैं वो सिर्फ अपने दिल को गलत फहमी दे रहे हैं या खुशफहमी दे रहे हैं, जो भी उनको ठीक लगे। ये बात तय है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2025 का एनडीए गठबंधन एकजुटता के साथ हम पांचों दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। थैंक यू। बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स काफी हो रही है, लालू प्रसाद यादव का स्टेटमेंट हो या फिर जीतन राम मांझी का स्टेटमेंट हो, इन स्टेटमेंट को कैसे देख रहे हैं दोनों एक दूसरे पे? भाई पहली बात तो मैं जात पात धर्म मजहब में मैं विश्वास नहीं करता, मैं नहीं मानता कि जातीयता को किसी भी स्तर पर बढ़ावा देना चाहिए। हैविंग सेड दैट, ये जिन दो व्यक्तियों
दोनों के बीच में ये विषय चल रहा है, आदरणीय जीतनराम मांझी जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, दोनों उम्र में, रुतबे में, तजुर्बे में हर लिहाज से मुझसे बहुत बड़े हैं। मैं कोई नहीं होता इन दोनों के बातों के बीच आने का, बट हाँ, बिहारी होने के नाते, एक युवा बिहारी होने के नाते, मैं जात पात धर्म मजहब की राजनीति से जितना हो सके बिहार बिहारियों को दूर रखने की सोच रखता हूँ। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करता हूँ, बिहारी अस्मिता की बात करता हूँ, ना किसी जाति की ना किसी धर्म की। अदालत जाने की बात दिलीप जायसवाल कर रहे थे कि मांझी जी तो दरिया दिल्ली दिखा दी कि अदालत नहीं करनी, तो एससी एसटी एक्ट के तहत जेल जाना पड़ता है। देखिए, कुछ टिप्पणी जो उनके बारे में की गई है, कहीं ना कहीं हम माने नहीं माने, बट उस समाज का, महादलित वर्ग से वो आते हैं, उसका अपमान तो है ही। बिहार में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग हुई विपक्ष के द्वारा, क्या लगता है कि राष्ट्रीय आपदा घोषित करनी चाहिए? मुझे लगता है सरकार के पास राज्य के माध्यम से तमाम प्रस्ताव गए होंगे और जो उचित होगा उस पर फैसला लिया।